अब जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि अफगानिस्तान एक तरीके का, एक तो उसमें हिंदू कुश की पहाड़ियां भी आती हैं और बहुत ज्यादा डेजर्ट भी है, ठीक है। तो इट इन इटसेल्फ मेक्स द टेरेन वेरी डिफिकल्ट टू यू नो, कि अगर आप वहां के लोकल नहीं हो, ठीक है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू गो इन देयर, यू नो, डिफीट द ट्राइबल्स एंड देन यू नो कैप्चर द होल थिंग। एंड द प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान सीरियसली हैज बीन फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो, इट हैज बीन ऑन द क्रॉस रोड्स विद सिविलाइजेशन। लाइक इफ यू सी द अफगानिस्तान, ठीक है, इस साइड में ऊपरी साइड में चाइना लाई करता है तुम्हारे समवेयर, ठीक है, उसके बाद इस साइड में तुम्हारे ईरान लाई कर रहा है, एंड समवेयर डाउन नियर द साउथ इंडिया आल्सो लाई, ठीक है। दीज आर ऑल कल्चरली, मतलब कल्चरल जो सिविलाइजेशन थी, ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन, पर्शियन एम्पायर एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इट हैज बीन ऑलवेज ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ दैट, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी मच प्रॉब्लम फॉर द अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अटैकर आता है तो वो उसी तरह क्रॉस रोड्स पे आता है, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज यू नो लूट एंड प्लंडरिंग गोइंग ऑन। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान भी कि अफगानिस्तान एक बार सेंट्रल वो इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, मतलब कभी पुराने जमाने में, लेकिन रीसेंट टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे नहीं हुआ। तुम अगर जाओगे वहां पे शहरों पे, खास करके जो पुराने उनके शहर है, तो वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, लेकिन तुमको वहां दिख जाएंगे बड़े बड़े जो मूर्तियां या ये सब चीजें, तो पता चलेगा कि एक तो फ्लोरिशिंग ट्रेड सेंटर्स थे, लेकिन वो फिर किसी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, ठीक है। अब आते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। हमको पता है कि ब्रिटिशर्स ने भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, आई थिंक 3 या 4 हमने एंग्लो अफगान वॉर्स लड़ी है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स की भी जो पावर थी वो सिर्फ उनके फॉरेन पॉलिसी और को लेकर के थी कंट्रोल, बेसिकली इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिशर्स ने भी कभी इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। एक बार उन्होंने करने की कोशिश की थी एक्चुअली, और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार खाया था वहां पे। तो उनको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जब तक फॉरेन, क्योंकि वो एज ए यूज करना चाहते थे अफगानिस्तान को एज ए बफर स्टेट विथ रशिया, क्योंकि उनको लगता था रशिया का इन्फ्लुएंस आ गई युद्धस्तर का बैक इन 30s या 40s, नहीं 40s के पहले भी, ठीक है। तो वो बफर स्टेट इस, क्योंकि पूरा जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान का जो एरिया है, जो सेंट्रल एशिया जिसको हम कहते हैं, वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था। तो क्या हुआ कि वो बफर स्टेट, लेकिन वो कभी इंटरफेयर नहीं किया ट्राइबल मैटर्स में, ठीक है। अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, लेट जस्ट से दैट, उसके बाद से वहां पे राजा ने रूल करने की कोशिश की, नाम था जहीर शाह, आई थिंक फ्रॉम 1933 स्टार्टेड रूलिंग और समवेयर टिल 1973, ठीक है। तो हुआ क्या उसमें कि ही स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज, ठीक है, और उसने यू नो लड़कियों के लिए, मतलब वुमेन के लिए राइट दिए, ठीक है, स्कूलिंग एजुकेशन शुरू की, मोर मॉडर्नाइजेशन, मतलब काइंड ऑफ नॉट एट द वेस्टर्न लेवल, लेकिन स्टिल डेवलपमेंट वॉज देयर ग्रेजुअली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके खुद के नेफ्यू ने उसको कू कर दिया, आई थिंक दाऊद खान नाम था उसका, हाँ 73 में, 73 से 78 तक दाऊद खान का रूल था, ठीक है। अब उसके बाद से वहां पे आती है पीडीपीए की सरकार, जो कि एक सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी बैक बाय रशिया, ठीक है, उसके प्राइम मिनिस्टर थे नूर मोहम्मद तराकी। अब उनके एक जो प्राइम मिनिस्टर वो वजीर टाइप के होते थे, सेकेंड इन कमांड समझ लो, ठीक है, अमीन करके नाम था, तो वो जो है उनको मतलब कू करना चाहते थे। फिर रशिया को लगा कि एक्चुअली ये जो नूर मोहम्मद तराकी है ये पपेट की तरह काम नहीं कर रहा, ही इज टू इंडिपेंडेंट टू लेट हिम रूल द अफगानिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने कू करने की कोशिश की, क्या कहते हैं, नूर मोहम्मद तराकी की, विथ एक बंदा था बाबर कमाल, वो भी फाउंडर था पीडीपीए का, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पीडीपीए, ठीक है। इन प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग भी मॉडर्नाइज करना, देखो अफगानिस्तान की बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान ने हजारों सालों से टैक्स नहीं दिया, ठीक है, दे आर वेरी ट्राइबल इन नेचर, दे डू नॉट लाइक टैक्सेस, दे डू नॉट लाइक एनी सेंट्रल अथॉरिटी, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान वी अंडरस्टैंड तालिबानी जो ट्राइबल्स हैं वो काइंड ऑफ अ मोनोलिथ है, एक्चुअली दे आर नॉट मोनोलिथ, ठीक है, दे आर वेरी डाइवर्स ग्रुप इन अफगानिस्तान ऑन, तो ठीक है। तो जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेड करने की कोशिश करती है उनके राइट्स के ऊपर, जो उनके ट्रेडिशनल राइट है, जैसे टैक्सेशन लगाने की कोशिश करती है, और सबसे बड़ी बात वो सोशलिस्ट टाइप के गवर्नमेंट थे, तो कहते हैं यू नो रिलीजन के खिलाफ वो एक्ट करते हैं, और ये क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि तुम उनको समझाने की ये कोशिश करोगे कि ठीक है कि यही सही तरीका है, दे जस्ट डोंट नो दैट, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ लिविंग, मॉडर्न लिविंग, ठीक है, क्योंकि वो कभी उस लेवल पे आ ही नहीं पाए। ये उन्होंने करने की कोशिश की इमेच्योरली, एंड दे फेल्ड मिजरेबली, तो पूरा रेबिलियन खड़ा हो गया गाँव की तरफ से। तो मुश्किल ही हुई, फिर रशिया को घुसना पड़ा डायरेक्टली, क्योंकि याद रखो रशिया भी कभी भी जो ईस्टर्न जो कह सकते हो तुम
वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रियां हैं जो या बॉल्टिक में जो कंट्रियां हैं उनको छोड़ करके कभी भी किसी और जगह पे डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया रशिया ने कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि कू हो जाएगा, ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि वो उनका भी एक स्ट्रेटेजिक कारण था कि जो बाल्टिक का इलाका है वहां पे तुम एक्चुअली जा नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा क्या कहते हैं उस सूटेबल नहीं है पोर्ट, और एक रीजन ये भी है कि वहां पे और भी प्लेयर्स बहुत आते हैं, ठीक है, तुम जो रशिया का सबसे अपर नॉर्थ वाला एरिया 9-10 महीने तो बर्फ में लगा रहता है, ठीक है, अगर तुम उनके इस वाले इस साइड पे जाओगे तो यहाँ जापान साउथ कोरिया ट्रेड करते रहते हैं, मेडिटेरेनियन में अलग प्लेयर्स हैं, तो उनको कोई ऐसा क्योंकि रशिया भले उनके पास तुम कह सकते हो बड़ी जमीन है कोस्ट लाइन बड़ी है लेकिन वो कोस्ट लाइन यूजफुल नहीं है उनके लिए किसी तरीके से, तो उनको कि एक बार अगर हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जो पेनिट्रेशन की डेप्थ जो वो है वो हम फिर किसी तरीके से पाकिस्तान होते हुए और यू नो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखेंगे उस जगह पे, तो वो घुसे और वो घुसते ही उन्होंने बड़े बड़े शहर जैसे हेरात काबुल हुआ, ठीक है, कांदहार इस टाइप के रीजन कब्जे कर लिए, लेकिन गांव में फिर उनको वही प्रॉब्लम आई कि टैंक्स वो ले नहीं जा सकते थे, और दूसरी बात यह है कि यूएस ने मदद करनी शुरू कर दी थी लेट्स से मुजाहिदीन जो होली वॉर लड़ने आते थे स्ट्रिंगर मिसाइल दे करके, ठीक है, और वो बहुत हेल्पफुल थी क्योंकि फिर तुम किसी भी एयरप्लेन को गिरा सकते थे उससे, तो और ये सारी मुजाहिद का जस्ट अ सेकंड मुजाहिद का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि जब इंट्रूजन हुआ सोवियत का तो उन्होंने उनको लगा कि ये हमारा जो फ्रीडम है जो काइंड ऑफ हमारा एक कल्चर है उसको छीनने आ रहे हैं, वो मतलब उनको पता था कि हम आपस में लड़ जाएंगे, लेकिन मुजाहिद का जो ओवरऑल मोटिव था कि नहीं हम इनसे तो नहीं हारेंगे इनके खिलाफ हम रहेंगे, तो वही चीज है अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, इस वजह से जो अंदर अंदर वो लोगों में सिविल वॉर चलता रहता है बट जब कोई बाहरी फोर्स आती है तो सारे एक हो जाते हैं, यही सेम दोनों केस में हुआ। नहीं उसमें भी होली में जैसे तालिबान और अलकायदा को कई लोग कई बार क्या होता है लोग इक्वेट कर देते कि दोनों एक ही तरीके के हैं, एक्चुअली तालिबान है, ठीक है, वो अपने ट्राइबल एक ट्राइब है समझ लो एक तरीके से, या ट्राइबल इंस्टिंक्ट है या ट्राइबल मेंटालिटी है, लेट्स से ठीक है, एक मेंटालिटी टाइप की है, ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली अ ग्रुप, उसमें भी वेरिएशन मिल जाएंगे, इट्स अ मेंटालिटी, दे वांट टू कैप्चर अफगानिस्तान एंड दे वांट टू इंटरप्रेट हार्ड वर्जन ऑफ शरिया एंड All that stuff, ठीक है, women right को देना नहीं चाहते, they hate just modernization of what Al-Qaeda represents, just terrorism, ठीक है, often people equate Taliban with Al-Qaeda, but they are very different things. A situation if Afghanistan government loses all the support that whatever it is getting from the American government in form of money and the support from the Indian government in whatever form, then only it's going to collapse. Otherwise, it is still fighting really hard. Afghanistan ke civilian population khud resist kar rahe hain, including women. There are people who are just shit scared. The normal people are shit scared. No one seems to talk about them. Everyone seems to talk about the power struggle that is there. But there are people jo civilian side se struggle hai, that is there, and they are actually resisting. They are backing the Afghani forces. They are not with the Taliban completely. Jahan pe villages mein, jaise bata raha tha Himanshu ki stronghold hota hai in sab logo ka. Wahan pe to haan, you will get a lot of support from for the Taliban because they think that they are actually trying to protect the culture and the religion and the society as a whole because they are made in such a way. It's a feudal tribalistic society as Himanshu also told. So they think a certain way. So they will be backing them up. Lekin when it comes to the, in general, jo log suffer actually kar rahe hain, they are resisting and backing the Afghanistan government only. And it is not going to go real soon. Afghanistan government jo hai, it is actually fighting. Unko aisa nahi hai ki aap Pakistani government jaise ki kuch bhi kar loge unke saath. They have their vision, strong value. They know what they want to do. तालिबान का एक ही देखो उससे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तालिबान का तुम कोई भी सोल्यूशन नहीं कहीं नहीं निकाल सकते किसी को अगर ये लगता हो, देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन इन, अगर तुम उसके करीबी देश हो यू कैन ओनली मैनेज द सिचुएशन थ्रू योर डिप्लोमेसी, दैट्स ऑल यू कैन लिटरली, दे आर गोइंग टू कीप फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर इफ द ट्राइबल इंस्टिंक्ट डजंट गो फ्रॉम देयर, ठीक है, तो अगर वो ट्राइबलिज्म उनके वहां से नहीं जाएगा तो अगले सौ साल भी मुझे कितनों मॉडर्न हो जाए, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न होने के लिए मशीनरी नहीं, सोसाइटीज भी मॉडर्न होनी चाहिए और अफगानिस्तान स्टक है, दे हैव नॉट इवॉल्व,
तो उसका कोई वर्किंग सोल्यूशन नहीं है, ओनली मैनेजेबल सोल्यूशन है थ्रू डिप्लोमेसी।